हेलो एवरीवन, सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको एक व्हील दी हुई है और इस व्हील में आपको डायमीटर जो है वो 2 मीटर, मीन्स इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। विथ एक्सल एट ओ, ये ओ के अबाउट, इस ओ के अबाउट ये घूम सकता है। फोर्स हमने यहाँ पर लगाया है 2 न्यूटन का, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोर्स बी पे 2 न्यूटन का हमने फोर्स जो है वो लगा दिया। ओके, सो 2 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ पर बी पे लगा दिया। इन द डायरेक्शन दिखाया हुआ है किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ, सेंटर ओ के अबाउट आपकी टॉर्क कितनी होगी। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क, तो आपकी टॉर्क कैलकुलेट करनी है ओ के अबाउट, फिर जाकर के एक बार ए के अबाउट। तो ओ के अबाउट एक बार टॉर्क कैलकुलेट कर लो और ए के अबाउट। तो सपोज करो हम लोग क्वेश्चन नंबर ए करते हैं और हम लोग निकालते हैं टॉर्क अबाउट ए ओ, टॉर्क अबाउट ओ। तो टॉर्क अबाउट ओ निकालनी है तो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर फोर्स लग रहा है। मतलब कि जहां पर आप फोर्स लगाते हो वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स आपका है यहाँ पर 2 न्यूटन का और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप ओ के अबाउट निकाल रहे हो, तो ओ से कितने दूरी पर आपका फोर्स लग रहा है। तो आप ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे जो कि है 1 मीटर की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 मीटर, मींस आपका 2 न्यूटन मीटर यहाँ पर आपकी टॉर्क की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आ जाएगी, ठीक है। नाउ सेकंड में अगर आप देखो तो आपको निकालना है टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ए के अबाउट आपको चाहिए। तो फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आपकी 2 न्यूटन है और ए से कितनी दूरी पे आपका फोर्स लग रहा है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, तो ए से आपका जो फोर्स लग रहा है वो कितनी दूरी पे है, तो वो पूरा आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस, मीन्स डायमीटर की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा जहाँ पे फोर्स लग रहा है। इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे 2 मीटर, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। ओके,